अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्यों किया तूने ऐसा बोल? क्यों? छोड़ दीजिए ना, उसका हाथ तोड़ेंगे क्या? क्या? छोड़िए ना, लोग क्या सोचेंगे? लोगों की पड़ी है तुझे? अरे लोगों की इतनी परवाह थी तो आने से पहले अपनी बेटी का मुंह देख लेती। लोग क्या कहेंगे? अब मुझे आप आने से पहले अगर आप हमारी बात मान लेते तो ऐसे नौबत ही नहीं आती। आप तो बस कहते ही रह गए कि हमें पढ़ना है, हमें शादी नहीं करनी है। बाबूजी शादी नहीं करनी है तो क्या करना है? पूरी जिंदगी मेरी छाती पर नींद डलेगी तू? हाँ चल का बता था मुझे, और तू रिश्ता तो हो नहीं सका, अंदर चल के माफी तो मांग ले। चल उसका एक शटर डाउन कर दिया ना, हमें माफ कर दीजिए, हम चलते हैं। अंकल, अंकल जी मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे अभी जो कुछ भी हुआ ना उसके बाद भी रिश्ते के लिए ना नहीं, और इन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि आगे की पढ़ाई कर पाए और माँ और बाबूजी की जिम्मेदारी उठा पाए। तू क्या जिम्मेदारी उठाएगी? तू तो खुद एक बोझ है। बोझ? ये बोझ नहीं बनना चाहती है, और इनकी यही बात मेरे बहुत अच्छी लगी। अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो और मीठी को भी कोई एतराज ना हो तो इस शादी के लिए हाँ। एक कमिया बाबूजी। अरे बाहर क्या खड़ी है, अंदर आ, आशीर्वाद ले, अंदर आ। अंकल अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं मीठी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ मीठी मुझे दे दीजिए। थैंक यू मीठी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे दो बातें पूछना चाहता हूँ। पूछ लीजिए, आपको जो कुछ भी पूछना हो। वो क्या है कि हमने तो अपने बचपन से ही अरेंज मैरिज वाले इंटरव्यू की पूरी तैयारी करके रखी। बचपन से? हाँ, वो मैं अपनी मम्मी से जब भी कुछ भी मांगती थी ना तो वो कहती थी कि अभी नहीं, शादी के बाद स्लीवलेस पहन लूं, तो शादी के बाद आलिया वाला लहंगा, वो भी शादी के तो बाकी सारी चीजों के लिए तो मैं फिर भी रुक सकती हूँ, लेकिन लहंगा पहनने के लिए अब और नहीं रुक सकती। इसीलिए आपको जो भी मुझसे पूछना है ना सब पूछ लीजिए, मेरी पसंद ना पसंद, मेरी हॉबी, मेरा फेवरेट रंग, सब कुछ आप खुद ही बता दीजिए फिर। आखिरकार पल आई क्यों? हाँ तो मेरा नाम मेनिका है, मेरी उम्र है 21 साल, मेरी हॉबी शादी की तैयारी, मेरा फेवरेट रंग रानी पिंक, फेवरेट जगह मेरा कमरा, और मैं खाने में ना क्या क्या बना पाते वो भी प्यारी प्यारी। देखा हम लोग इतने कम समय में
एक दूसरे को कितने अच्छे से जानने लगे। और आपको क्या पसंद नहीं है? हमें सपना टूटने की आवाज एकदम पसंद नहीं है। अगर ये शादी हो गई तो हमारा अपने पैरों पर खड़ा रहने का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। मगर क्यों टूटेगा सपना? वो नीला काकी की लड़की है ना, गुड़िया हमारे जितने ही है। टीचर बनना था उसे, काकी ने उसकी शादी करा दी और अब वो सुबह से लेकर रात तक चूल्हे की आग में जलती है। हमें शादी करके गुड़िया और गौरी वाले लिस्ट में हमारा नाम नहीं लिखवाना है दुष्यंत जी। हमें पढ़ना लिखना है, हमें बहुत बड़ा वकील बनना है। तो आप पढ़िए, वकील बनिए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी मेरी, मेरे पेरेंट्स नहीं, दादी ने ही पाल पोस के बड़ा किया है। अब एज हो गई है तो रुक गई, वरना घर वही चलाती थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी पढ़ाई कीजिए, काम करें, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा घर बहुत बड़ा नहीं है, अगर आपकी मर्जी हो तो आप और आपके सपने के लिए यहाँ काफी जगह है। और अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं मुझसे तो पूछ सकती हैं। अरे आप तो कुछ पूछ ही नहीं रहे। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। मुझे ना मोटरसाइकिल पे बैठ के घूमना बहुत अच्छा लगता है। चौकस। लेकिन आपको चलानी आती है? उड़ाते हैं मोटरसाइकिल। वैसे कहाँ तक पढ़ी हैं आप? अभी तो ग्रेजुएशन पूरी की है। अच्छे से कॉलेज में दाखिला लेके हम वकालत की पढ़ाई करना चाहते हैं। हमारी अम्मा ने मजदूरी करके सचमुच ईंटें धो के हमें बड़ा किया है। हम एक दिन इतना बड़ा बनना चाहते हैं, खुद के दम पर इतने बड़े वकील बनना चाहते हैं कि उन्हें हमेशा सर आंखों पर रख सके। निधि जी, आप वकील जरूर बनिएगा और हम आपका पूरा साथ देंगे। हमें तो लगा था शादी बड़ी बुरी चीज होती है गंगा मैया, लेकिन ये तो अच्छे निकले। क्या ये सचमुच हमें शादी के बाद आगे पढ़ने देंगे? हाँ, हम तो कल ही से कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं वो आगे की पढ़ाई के लिए। हाँ लेकिन हमने तो सिर्फ 12वीं तक ही पढ़ाई की है, आगे और पढ़े क्या? क्या आगे और कितना पढ़ेंगे, 12वीं तक बहुत है। 12वीं के आगे और क्या पढ़ेंगे यार, वैसे भी इतना बड़ा बंगला है, एक कमरे से दूसरे कमरे जाएंगे वहीं आपका टाइम पास हो जाएगा। हाँ लेकिन ब्याह के पहले थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख लीजिए। क्या ना, हम घर पे सब अंग्रेजी में बात करते, वो फस फस। अच्छा क्या? पर इंग्लिश वो क्या है ना, हमने अपनी स्कूल की परीक्षा तो इंग्लिश में ही दी थी पर हम फेल हो गए। लेकिन आप बोल लेते इंग्लिश? हम फास्ट बोलते हैं इंग्लिश, दौड़ती है हमारी इंग्लिश। कुछ बोल के बताइए ना, हमें सुनना है। आपको अभी सुनना है? हाँ। कोई दिक्कत नहीं, हमारी इंग्लिश तो वैसे फास्ट है। हेलो, हाउ यू आर? गुड डे ब्यूटिफुल गर्ल, प्लीज हैव शाम का ब्रेकफास्ट, बट डोंट फॉरगेट नाइट का लंच।
रुकी मत। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। और बोलिए ना। और बोले हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, अब बोलते हैं और बोलते हाँ। माय फादर ही त्रिशन बोथ टू सिस्टर डॉटर सिस्टर ब्रदर बोथ फीमेल यू बिहाइंड मी मीट आई शो यू मोटरबाइक बस बस और मत मांगेगा इंग्लिश तो इतना फास्ट बोलते समझ नहीं पाएंगे आप। हम भी कोशिश करें क्या? बस ऐसे ही अभ्यास करते रहिए फिर पूरा त्रिपाठी फैमिली फास्ट फास्ट इंग्लिश बोलेगा। हाँ, शादी तक ना हम इंग्लिश सीख लेंगे। हाँ। बेटा क्या फैसला लिया है? अंकल जैसा मैंने पहले कहा था मेरी तरफ से शादी के लिए हाँ है। बेटा तुम तो ना धन्य हो धन्य। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे चलो चलो टेम्पो आ गया हम चलते हैं। चल चलो चल ओ चल मैं बैठ। अरे इस मीठी की भी क्या जिंदगी है। रहीस की बेटी है पर मैं इसे इस कंपाउंडर के साथ ब्याह दूंगा। ये तो मानना पड़ेगा कि लड़का हीरा है हीरा। वरना जो ये मनुष्य ने आज किया ना कोई और लड़का होता ना तो घर से बाहर निकाल देता धक्के मार के और हमारा शटर डाउन हो जाता। रुक ये कितनी चटक लड़की थी आज कितना तमाशा करके गई और एक बार घर पे आ गई तो पता नहीं क्या क्या करेगी और तूने इसको हाँ कह दी। कानपुर में लड़कियों की कमी है क्या? लड़कियां तो बहुत है मगर जो इसके पास है ना किसी और के पास नहीं। टाइम आने पे मैं आपको वो भी बता दूंगा। मीठी सोच रही होगी कि मैं कितना अच्छा हूं और उसकी इसी भूल का मैं बार बार फायदा उठाऊंगा। मीठे जाने दीजिए ना अब तो सब ठीक हो गया है। जाने दीजिए अब होगा इस मनोज का शटर डाउन। कल से तो सरकारी कॉलेज जाएगी। दाखिला करा दिया है तेरा। बाबूजी माँ बाबूजी आप सच कह रहे हैं? देख रहे बाबूजी हम इस बार लॉ में भी टॉप करेंगे। हम बहुत मेहनत से पढ़ेंगे। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा माँ। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम कल से सरकारी कॉलेज जाएंगे। बाबूजी हमें तो हमसे रोका नहीं जा रहा। थैंक यू बाबूजी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तेरी पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं भेज रहे तुझे कॉलेज। वो बड़े साहब ने कहा है तो उस कॉलेज में जाएगी और कुंवर जी की पढ़ाई में मदद करेगी इसलिए जा रही है तो उस कॉलेज में। तू पास हो या फेल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
पर कुंवर जी पास होने चाहिए। समझ गए बेटे? कुंवर जी पास होने चाहिए। का मतलब गेम ओवर? साला भी तुमको बताते हैं, गेम हम ओवर करेंगे। अब आप पांच मिनट। हीरो, जरूरी बात करनी है। कहा हीरोइन? बताओ क्या बात करनी है? बात तुम्हें करनी है। लड़की को अकेले में तुम मिले हो, बताओ ना कैसी लगी? हीरोइन, आसमान रंग बदलता है। राणा ने हमने कहा ना आप लोगों को पसंद आई, तो हमें ही पसंद आ गई। अरे बहुत सुंदर है, हमें तो बहुत पसंद आई। तो बस बस खुश रहे। मां साहब इसे मेहनत करने का आशीर्वाद दीजिए। राणा, हम चाहते हैं कि शादी से पहले तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। हमने जैसे तैसे करके गवर्नमेंट कॉलेज में तेरा दाखिला करवा दिया है, अब मन लगा के पढ़ाई तुम्हें करनी है। राकेश हमारी फैक्ट्री में काम करते हैं, हमने उनसे बात कर लिए, उनकी बेटी कल से कॉलेज आएगी और पढ़ाई में तुम्हारी मदद करेगी। एक लड़की हमारी मदद करेगी? क्या बात कर रहे हैं आप पापा? अरे बेटा बहुत काबिल लड़की है, हर इम्तिहान में अव्वल आती है। गरीब आदमी पैसा कमाने के लिए मेहनत करता है और अमीर इज्जत। तो हम चाहते हैं कि हमारा बेटा राणा बहुत इज्जत कमाए, ऐसे मुकाम पर पहुंचे कि जहां तेरे नाम के पीछे त्रिपाठी कम भी हो जाए तब भी तेरे रुतबे में कोई कमी ना आए। इमोशनल काय हो रहे हो? जा रहे ना कल कॉलेज, मिल लेंगे उस लड़की से। अब खुश बेटा? हमारी खुशी तो तुम्हारी खुशी में। कुछ भी बोल रही है हा? देख माला की वो उस लड़के के लिए तुझे कॉलेज भेज रहे, पर कॉलेज तो भेज रहे है ना। अब उस लड़के को पढ़ाने के लिए पढ़ाई तो तुमको भी करनी पड़ेगी। तुम यही चाहती थी तो इससे गंगा माँ का आशीर्वाद समझो। और फिर देखो आज जिस लड़के से भी तुम मिली ये तो बहुत अच्छा है। उन्हें हमारे आगे पढ़ने और काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं है माँ। बस गुड़िया रानी, अब से ना तुम्हारे सपनों के सच होने की उड़ान शुरू होने वाली है। हमने हमारी बिटिया को सब कुछ समझा दिया है जमाई बाबू। उन्हें कुंवर जी की ना एक तस्वीर भी दे दी है, उसने बस्ते में रख ली है। कल जाकर कॉलेज में वो कुंवर जी से मिलेगी। और आप बिल्कुल फिकर ना करो, इस बार कुंवर जी के नंबर हमारी बिटिया से भी बहुत अच्छे आएंगे। हम ये नहीं चाहते कि हमारा बेटा आपकी बेटी से आगे निकले, हम बस ये चाहते हैं कि हमारा बेटा जहां भी जाए, जिस मुकाम पर भी पहुंचे, अपनी मेहनत अपने दम पर पहुंचे। भोलेनाथ के लिखे पे सवाल उठाने वाले हम कौन होते हैं?
लेकिन फिर भी कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि काश राणा की किस्मत मीठी जैसी हो। अरे नहीं नहीं बाबू, मेरा मतलब है कुंवर जी की किस्मत मीठी जैसे बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? अरे इतनी समझदार है तुम्हारी बेटी, हर बार फर्स्ट आती है। कहा जिंदगी है उसकी, कहा कुंवर जी और कहा वो मीठी। आप नहीं समझते हैं मालिक, जो गरीबी है ना गरीबी, ये अभिशाप है अभिशाप। और दौलत धोखेबाज है, जिसे दौलत मिल जाए तो दुनिया वालों को यही लगता है कि इसे जिंदगी में सब कुछ मिल गया, लेकिन कई बार इंसान अपनी पहचान खो देता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपकी बेटी मेरे राणा को मेहनत करना सिखाए, और उम्मीद करता हूं कि दुनिया उसकी इस मेहनत को देखे। भैया वो एक एक पेन और चार पेपर, चार पेपर। एक मिनट, पहले दिन पे पूरा उपन्यास लिखेगी का? एक पेन और एक ये कागज काफी है, ये लो भैया। अबे कुछ नजर नहीं आ रहा। सरस्वती माता की जय। हमारी चुन्नी कहाँ गई? अच्छा इसकी चुन्नी है, अब इसे बताते हैं।